स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश वीडियो में, एक और नए मूवी रिव्यू के साथ। हाजिर है आपका शर्मा। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ गॉडज़िला एक्स कॉन्ग, इस नई मूवी का, जिसका मैंने कल रात को लेट नाइट शो देखा है। तो कैसी है ये फिल्म, आइए बात करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट जो करनी बनती भी है, चैनल पे नए हो, ये वीडियो यूजफुल लगती है, सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो। कोई तरीका है भीख मांगने का? बता दूं कि मॉन्स्टरवर्स की 5वीं फिल्म होने वाली है। अगर आपने इस फ्रेंचाइजी की पहले की फिल्में नहीं देखी है तो भी इस नई फिल्म को डेफिनेटली आप देख सकते हो, इतना कुछ आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो गॉडज़िला और कॉन्ग के पिछले अध्याय में आपने देखा था कि दोनों के बीच में काफी जानी दुश्मनी है। हालांकि ये दुश्मनी काफी लंबी पुरानी है, लेकिन पिछले बार ना बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी, बात हाथापाई तक आ चुकी थी। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि गठबंधन का टाइम चल रहा है, तो इन दोनों के बीच में भी ना एक गठबंधन हो चुका है। अभी दोनों मिलकर किसी तीसरे को पेलने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण से कर रहे हैं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। देखो मूवी की स्टोरी सिंपल है, कुछ खासा नहीं है, लेकिन ना ऐसी मूवीज में ना जो मॉन्स्टर वाली मूवीज होती है उसको कोई भी स्टोरी के लिए देखने नहीं जाता है। बात तो सही है। वो जाते हैं बड़े बड़े क्रिएचर देखने के लिए, कॉन्ग को देखने के लिए, गॉडज़िला को देखने के लिए, उनकी फाइट्स को देखने के लिए, उनके एक्शन सीन्स को देखने के लिए। और हाँ, ये सभी एलिमेंट इस फिल्म में आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसको डेफिनेटली आपको देखने में मजा आने वाला है। पूरा पैसा वसूल है ये फिल्म, मैं आपको ये बोलूंगा। सबसे पहले मैं उसकी बात करूंगा जो मुझको बहुत ही पसंद आए हैं, गॉडज़िला भाई। मतलब जिस तरीके से वो अपने आप को चार्ज करता है, उसके बाद जो हमला करता है ना भाई, उसको आप कितनी बार भी देख लो ना भाई, आपका दिल नहीं भरेगा। हर बार देखने में ना उसका अलग ही वाइब आती है, और इस बार तो उसकी पावर ना भाई लाखों गुना बढ़ चुकी है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, पिंक गॉडज़िला क्यों बन चुका है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसको डेफिनेटली देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। दूसरी ओर कॉन्ग की बात करें ना भाई, तो कॉन्ग के सामने कोई बोल सकता है क्या? एज यूजुअल कॉन्ग बहुत ही बैडअस लगा है पूरी पिक्चर में। दोनों को एक साथ टीम अप करके लड़ते हुए देखने ना मेरे को बहुत मजा आया। बात मेरे मजे बसने की नहीं है, अगर आपने मॉन्स्टरवर्स को फॉलो किया है, मॉन्स्टरवर्स की मूवी आपको पसंद आती है, तो ये नई मूवी भी कहीं पर भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर है जैसे पहली मूवीज का था। मूवी का ह्यूमर भी ठीक ठाक सा था। हालांकि डबिंग को लेकर एक बात यहाँ बोलना चाहूंगा मैं, जो बॉलीवुड का रेफरेंस है कि डबिंग की जाती है ना, इस मूवी की डबिंग वैसी है, हर जगह नहीं पर बीच बीच में आती जाती रहती है, जो मुझको ना इतना कुछ खासा लगता नहीं है। कुछ कुछ जगह पे वो काम कर जाती है, पर कुछ कुछ जगह पे लगता है यार थोड़ा अच्छा डबिंग होना चाहिए था। डबिंग ऐसी करो यार कि ना पब्लिक को मालूम मत चले कि वो कोई डब मूवी देख रही है। जहां तक 3D इफेक्ट की बात करूं तो 3D इफेक्ट वही जो हॉलीवुड मूवीज का होता है, कुछ जगह पर फील होते हैं और कुछ जगह पर मालूम चलता भी नहीं है, और यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हाल है। तो अगर 2D में भी देखोगे ना तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस यही था मेरा रिव्यू गॉडज़िला एक्स कॉन्ग दी न्यू एम्पायर, इस मूवी के लिए जो मुझको पसंद आई है। और इस वीकेंड फैमिली के साथ कोई मूवी आपको देखनी है ना, तो हाँ इस मूवी को मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। एक पॉपकॉर्न ट्रीट है ये मूवी, जिसको देखने में डेफिनेटली आपको मजा आएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसी हफ्ते बॉलीवुड की भी दूसरी मूवी आई थी जिसका नाम था क्रू। मूवी का रिव्यू मैंने कर दिया, इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। देखो मूवी कुछ खास नहीं है, पर ना कुछ कुछ चीजें उसमें भी खास है। क्या माल है यार। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।